हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज हम बॉटल पे तीन अलग अलग डिज़ाइन के क्राफ्ट बना बना के आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो यहाँ मैं पहला बना रही हूँ ये बॉटल पे कुछ फ्लावर वाले चीज़ें। तो उसके लिए पहले मैंने यहाँ पर मेरे पास फेविकॉल निकाला था तो बचा हुआ था, मैंने उस पर लगा दिया। तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कवर कर रही हूँ बॉटल अंदर से। पहले मैं इसमें मनी प्लांट लगाया हुई थी तो फिर वो अच्छे से साफ़ भी नहीं हुई, बहुत कोशिश करी तो मैंने सोचा इसको पूरा कवर कर दे। तो इसी तरह से मैंने इस पर टिश्यू पेपर लगा के और ये फेविकॉल और पानी का मिक्सचर लगा के ये एक दिन पूरा अच्छे से सूखने रखा है। और ये सूखने के बाद जब ये सूख गया तो फिर मैंने इस पर करा है टील कलर अप्लाया, और वो भी जब अच्छे से सूख गया तो अब इस पर हम काम कर रहे हैं क्ले का। तो क्ले का मैं यहाँ पर बना रही हूँ एक ब्रांच बना रही हूँ उसकी फ्लावर की। तो यहाँ पर मैंने ना पहले स्टेम बनाया, तो स्टेम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर वुड पे शेप देने के लिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ निडल का यूज़। एक्चुअल मेरे पास टूल नहीं है तो मैंने निडल से ही कर दिया है। और इसी तरह से दूसरे जो पोशन निकल रहा है मैंने उस पे भी ऐसे ही इसको अप्लाई कर दिया है। और ये फ्लावर बनाया है मैंने टूल की हेल्प से, तो टूल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और ये लीव्स बनाई मैंने खुद अपने आप ही। तो ऐसा है कि मेरे पास ना काफ़ी, कई बार जब हम काम करते हैं ना क्ले बच जाती है तो मैं कुछ ना कुछ शेप के डिज़ाइन के ना बना कर रख देती हूँ कि कई मेरा DIY में काम आ जाते हैं। ऐसे ही मैं ये कुछ तो ऐसे ही बनाई थी और कुछ बच जाती है तो क्ले की मैं ऐसे बना देती हूँ। तो इसी तरह से फिर मैंने यहाँ पर ये दूसरा पैटर्न भी यहाँ पर नीचे से निकाल दिए, एक और ब्रांच निकाली है यहाँ पर और इसको भी ऐसे ही बनाया है। और इस तरह से मैंने इस बॉटल को ऑलमोस्ट फिल कर दिया है और ये एक सूखने रख दिया मैंने। ये बहुत अच्छे से सूख गई है, देखो आप कितने बढ़िया से सूख गई है। तो इस पर अब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर वाइट कलर। तो मैं तो हमेशा वैसे वाइट कलर ही अप्लाई करती हूँ क्योंकि कलर जो है मेरा थोड़ा कम लगता है और जो इनहेंस होके आता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से इस पर वाइट कलर का अप्लाई करती हूँ। अगर आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो और आप नहीं वाइट कलर यूज़ करना चाहते तो डायरेक्ट कलर भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करे हैं ये पेस्टल कलर, ये नए शेड आए हैं फेविक्रिल के तो मैंने ये यहाँ पर यूज़ करे हैं। और इस तरह से मैंने ये पूरा जो फ्लावर के अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन से मैंने इनको बना दिया है और इसमें शेडिंग देती रही मैं, और लीव्स पे भी ऐसे कलर कर दिया है। तो अगर इसी बात पे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आज पहली बार आपको मेरी वीडियो दिखी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को ऑन कर दीजिए। और ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी कि पुरानी पुरानी बेकार बेकार चीज़ों से हम थोड़ा सा टाइम लगा के अपनी अपनी अपने घर के लिए सजा सकते हैं। तो इस तरह से ये मेरी बॉटल तैयार हो गई है। बेकार पड़ी हुई बॉटल को मैंने बहुत अच्छा लुक दे दिया है। तो चलते हैं हम दूसरे DIY की तरफ। यहाँ पर ये टोमेटो केचप की बॉटल थी तो इस पे भी मैंने क्या बोलते हैं ऐसे ही मिरर को स्टिक कर दिया था। मेरे पास ये राउंड शेप के मिरर से, अगर आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हो तो आप अपनी चॉइस के कोई भी मिरर अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये पूरे मिरर स्टिक करके ये पूरी बॉटल को पूरा फिल कर दिया था। तो अब इसको पूरा ये बन गया है और ये मैंने सूखने के लिए रख दिया था। कोशिश ये करी कि मैंने पूरा दिन ही रखी है क्योंकि हबड़ दबड़ का काम नहीं अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ली है वॉल पुट्टी, 3-4 चम्मच मैंने वॉल पुट्टी ली है, उतना ही फेविकॉल मिलाया मैंने इसमें। अगर आप इसकी जगह कुछ और पेस्ट यूज़ बनाना चाहते हो तो आप अपनी चॉइस का मटेरियल यूज़ कर सकते हो, पर मैं कम्फर्टेबल हूँ वॉल पुट्टी पर तो मैं इससे ही बना लेती हूँ। बहुत लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऐसे कोई रूल नहीं है कि आप वही करें, जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक ये ठीक कंसिस्टेंसी का पेस्ट रेडी कर दिया है, और उस ना पतला है ना ये ज़्यादा गाढ़ा है। और इसी तरह से मैंने इसको स्पून की हेल्प से ही इस पे ऊपर स्प्रेड कर दिया है। और ये इस तरह से मैंने पूरा ये इस पे लगा दिया और इसे सूखने के लिए रख दिया, और ये अच्छे से सूख जाए, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो जाए और बहुत गीला भी ना रहे। तो हल्के कपड़े से पहले और हल्के हल्के हाथ से इसको रब करते रहें और जो एक्स्ट्रा पेस्ट है उसको निकाल लें। और इस तरह से ये बॉटल मेरी साफ़ होकर ना रेडी हो गई है। फिर इसे मैंने इस पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी इसको थोड़ा कवर कर दिया रस्सी की हेल्प से। आप मैक्रम से करें, आप कुछ भी जो आपके पास है वो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना, कम खर्चे में ये बन जाएगी। और इस तरह से ये एक प्यारी सी बॉटल आपकी रेडी हो गई है।
तो चलते हैं अब तीसरे DIY की तरफ। ये छोटी बॉटल थी, ये भी मैंने अपने भाई से मांगी थी, भाई मुझे दे दे। तो इस पे भी मैं कुछ बना रही थी, तो यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ मैंने इस पे पहले कर दिया जैसो की कोटिंग अच्छे से जब सूख गई, तो उस पे मैं यहाँ अभी भी क्ले का यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली मुझे मैंने किसी को गिफ्ट करी है ये। तो यहाँ मैं बना रही हूँ एक कपल, तो ये 3D डिज़ाइन के उसमें बना रही हूँ कि बेंच पे बैठे हुए एक कपल हैं, अब बैठे हुए हैं क्योंकि वैलेंटाइन आने वाला है, तो इसी थीम पर मैंने ये बनाई थी। तो ये दोनों बैठे हैं और अलग अलग इनके शेप्स बना दिए मैंने, इनका सर बनाया, पाँव बनाया और ये बेंच भी बना दी है। और यहाँ मैंने देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मेरे पास क्ले बच जाती है तो मैं निकाल देती, इसी तरह से मैंने ये हार्ट भी तब क्ले बची थी उसमें बना दिया था। और यहाँ बनाई मैं थ्रेड और ये उसका रिबन। और इसमें मैंने एक और चीज़ ऐड करी है, मैंने यहाँ पर बनाया है एक डिज़ाइन बनाया है, ये बनाया मैंने लव। ये भी मैंने छोटे छोटे क्ले की पहले कटिंग्स निकाली, छोटी छोटी डिज़ाइन बनाए और इस तरह से मैंने ये पूरा इसके ऊपर मतलब मैंने लगा दिया था। और ये जब ना बहुत अच्छे से सूख गया ना ये बहुत, तब इसके पर भी मैंने ना फिर से एक बार और वाइट कलर की कोटिंग करी है। करनी ज़रूरी है क्योंकि वो अच्छा कलर तभी आपका निकल कर आता है। तो मैंने यहाँ पर भी अप्लाई कर दिया है इस पर वाइट कलर। और फिर मैं यहाँ अप्लाई कर रही हूँ पेस्टल कलर, बाहर मैंने किया है लाइट पिंक शेड में। और फिर मैंने यहाँ भी अलग अलग स्टाइल में जो भी अलग अलग कलर थे वो शेड यूज़ करे हैं, तो मैंने ग्रीन और ये यहाँ पर पर्पल शेड लिया है, हार्ट को मैंने रेड कलर से बना दिया और लव को भी हाईलाइट करने के लिए मैंने रेड कलर यूज़ करा है क्योंकि मोस्टली अब वैलेंटाइन आ ही गया है, तो आप ऐसे भी गिफ्ट बनाकर अब एक बॉटल पे से आप बनाकर अपने लव वन को गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा और बहुत यूनिक आइडिया है। तो इस तरह से मेरी बॉटल रेडी हो गई है। तो आपको मेरे तीनों DIY में सबसे अच्छा कौन सा लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।